हम भटकते हुए लोग होते हैं शुरुआत में क्या चाहते हैं उसकी भी कुछ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चलता है और लाइफ बड़ा कंफ्यूज्ड होके चलता रहता है and this is mainly a problem with people who are not very successful. यदि आपको जीवन में सक्सेस होती तो जीवन के मकसद को आप ढूंढती ही नहीं क्यों ढूंढना है सब कुछ है आप, आप परिपूर्ण जीवन हमें कई दिशा में फेंकता रहता है कि यहाँ जाओ तो चैन मिलेगा वहां जाओ चैन मिलेगा तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जीवन का मकसद क्या है मकसद तो एक ही है कि हम अपने को हर दिन ऐसा तैयार करें कि कल से आज ज्यादा बेहतर हूं बस जो भी आप चीज करो ढंग से करो ठीक से करो पूर्णता से करो आधा कभी मत छोड़ो आधा जिंदगी भर आपको ढूंढेगा मां बाप की सेवा करनी थी ढंग से की नहीं कम्प्लीटली की नहीं तो उनके जाने के बाद भी याद रहेगा कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया बाद में आप रोगे वो तो चले गए सॉरी बोलना था किसी को अरे यार सॉरी यार ये तो कोई बात है सॉरी कहने की वो भी ठीक से कहना है छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है पूजा करनी है पूजा पाठ करना है ध्यान करना है वो भी पूरे दिल से करो नहीं तो करो ही मत इससे बड़ा नुकसान होता है और बच्चों को तो कभी फोर्स ही मत करो प्रश्न है जीवंत का मकसद तो मैंने एक संक्षिप्त में इतना बता दिया कि मोर एंड मोर मूव टुवर्ड्स परफेक्शन टोटल परफेक्शन कभी नहीं आएगा वी आर मूविंग मोर एंड मोर टुअर्ड्स परफेक्शन कंप्लीट परफेक्शन आएगा तो उस दिन आप मर जाओगे क्योंकि परफेक्ट सॉल हो गया अब क्या करना है दिल लगा के सब कुछ करो वही अपन को दूसरा स्टेप दिखाएगा पहले से ही अपन को पर्वत की टोच कभी दिखाई नहीं देती है जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे नजदीक का रास्ता दिखाई देता है जैसे हम ये विंटर के मौसम में पर्वत पे ट्रैवल करते हैं तो कितना डिस्टेंस दिखाई देता है जब ड्राइव करते हो सुबह सुबह टू मीटर थ्री मीटर एट द मोस्ट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे रास्ता दिखाई देता है तो चलते रहना है चलते रहोगे तो रास्ता अपने आप दिखाई देगा कदम आगे बढ़ाओ हिम्मत से और श्रद्धा से श्रद्धा के बिना का जीवन भी बेकार का होता है किसी से हुक करना है कनेक्ट हो जाना है और अंधी श्रद्धा भी नहीं चाहिए तो सच्ची श्रद्धा कैसे आएगी और आ सकती है किसी ने रास्ता दिखाया कि और रेस्टोरेंट का बताइए अच्छा रेस्टोरेंट है जो होके आइए अब गए अच्छा मिला खाना अब दूसरी बार गए अच्छा मिला तीसरी बार गए और अच्छा मिला तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है लाइक वाइज कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो आप ट्राई करके देखो वो कहाँ ले जाता है हमारी ओर से पूर्ण तैयारी होनी है सुबह का ध्यान बिफोर सनराइज खत्म करो सूर्यास्त के पहले क्लीनिंग कर लो लेटने से पहले प्रार्थना करो इतना ही तो करना है तीन चीज हम ढंग से करेंगे तो बाबूजी को कम्प्लेन कर सकते हैं कि हमने सब कुछ किया कम्प्लेन अभी भी मैं ऐसी की वैसी हूं गड़बड़ क्या है तो, तो बाबू जी से हम कह सकते हैं मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों ऐसा है आज बड़ी दुख की बात है एक भाई एक कपल है दे लॉस्टर सन एंड कंप्लेनिंग टू मी काइंड ऑफ आर आर यू यू एन ऑथोरिटी इन थिंग्स लाइक दैट मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ आप मानो तो मास्टर है नहीं मानो तो आपका दोस्त हूँ क्यों हुआ ये हमसे क्यों छीन लिया गया किसके घर मौत नहीं होती है हाँ यह दुख की बात है कि छोटा हमसे छोटी उम्र में चला गया वो तो बहुत दुख की बात होती है लेकिन हम ईश्वर को क्यों ब्लेम करें ये तो पागलपन है बुद्ध के पास भी एक बहन चली गई एक माँ चली गई मेरा बेटा गुजर गया आप क्या करें मैं आप उसको जिंदा करो बॉडी लेके गई थी बुद्ध 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 भगवान भगवान बुद के पास ने समझाया और बोला देख सब गांव में भटक के आ तो मेरे को जस्ट फाइव सीड्स मस्टर्ड सीड्स लेके आ कि जिस घर में किसी की मौत न हुई हो स्टोरी

लेकिन उस समय में उनको नहीं कह सकता हूँ कि सब मरते हैं वो भी चला गया वो भी है उनको तो दुख हुआ ही है और उस पर हम और बोल देंगे तो वो हो, तो होता ही रहता है वो एट दैट टाइम इट विल नॉट बी प्रॉपर। इसलिए आप सबको अभी से ही बोल देता हूँ कोई जाए उसके पहले फरियाद मत आना सब जाते हैं आप भी जाओगे